हेलो एंड वेलकम टू डी वी आर हेयर फॉर रिलेवेंट लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी बाय टू और मोर पर्सन। टू या मोर पर्सन पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरीके से देखते हैं। देखिए, दो या दो से ज़्यादा आदमी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक आदमी को दे सकते हैं किसी भी सिलसिले में। अगर चाहते हैं दो आदमी है, तीन आदमी है, चार आदमी है, चाहते हैं कि हम एक बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि एक आदमी ही दूसरे आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। दो आदमी भी दे सकते हैं, तीन आदमी भी दे सकते हैं, किसी एक आदमी को भी वो दे सकते हैं। एक आदमी दो को दे सकता है, दो से ज़्यादा को दे सकता है, चार को दे सकता है। वो अपना अटॉर्नी, वो अपना जो स्पेशल पावर अटॉर्नी है, अपना जनरल पावर अटॉर्नी है, वो उसको मुकर्रर कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोई जेड प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है उसमें चार उसमें हिस्सेदार है, तीन हिस्सेदार है, छह हिस्सेदार है, तो सारे के सारे जो हिस्सेदार हैं वो किसी एक आदमी को पावर अटॉर्नी दे सकते हैं कि आप मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करें। ये जनरल पावर भी दे सकते हैं, स्पेशल पावर भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की पावर भी दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रॉपर्टी की देखभाल के बारे में, रेंट के मैटर को डील करने के बारे में, किसी डिपार्टमेंट के मैटर को डायल करने के हवाले से भी वो अपनी पावर दे सकते हैं किसी एक आदमी को। जरूरी नहीं कि एक आदमी दे, वो तीन चार बंदे सब जो एक आदमी को पावर अटॉर्नी वो दे सकते हैं। तो कई आदमी भी इस जैसा मैंने कहा था, जरूरी नहीं है एक दिख कई आदमी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, और उसके लिए कोई वो लिमिट नहीं है कि ये जो है कि इस सूरत में जो है वो इसके बाद वो उस पर ट्रांजैक्शन भी की जा सकती है, वो उसको प्रॉपर्टी को वो बेच भी सकता है। और पावर अटॉर्नी में क्लाज जो क्लाज होगी उसी हिसाब से जो है ना वो उसको डील कर सकता है कि किस तरीके से इसने डील करने, वो क्लाज उसमें दिया जाएगा। क्या इसको पावर जनरल दी गई है, क्या इसको पावर स्पेशल दी गई है, किस मैटर के बारे में पावर, जो क्लाज होगी उसी हिसाब से वो अटॉर्नी जो है वो उस चीज को डील करेगा। ज्यादा पावर अटॉर्नी को करना तो उसमें हर एक की क्लाज होगी, वो जनरली तौर पर भी क्लाज हो सकती है, या सेवरली तो अकेले की भी हो सकती है, एक आदमी की भी हो सकती है। ये आदमी स्पेशल आपको ये पावर दे रहा है, दो तीन आदमी ये, उसमें मुख्तलिफ क्लाज का भी जिक्र हो सकता है कि कौन सा आदमी कितनी पावर, किस चीज की पावर दे रहा है और कौन सा कितनी दे रहा है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के उसको पावर जो वो दे अकेला है या जनरली जो भी पावर है वो जनरली तौर पर वो काम कर सकता है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंट प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें कोई एक पावर देना चाहता है तो वो एक पावर भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि जॉइंटली प्रॉपर्टी चार बंदों के चार बंदे ही पावर दे सके, वो एक भी उसी हद तक जो उसका हिस्सा बनता है उसी हद तक उसकी वो पावर अटॉर्नी दे सकता है। तो एक्ट शुड भी जॉइंटली या सेपरेटली, कुछ एक्ट हो सकता है एक साथ भी हो सकता है, सेपरेटली भी हो सकता है और जॉइंटली भी हो सकता है। तो ये तो हमारा आज का टर्म पावर अटॉर्नी बाय टू और मोर पर्सन। इसके साथ मुझे इजाजत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।